गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर वन में आज हम पढ़ते हैं कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हमें पढ़ना है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो हमें समझना है इन्वेस्टमेंट क्या है और फिर उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये समझना है। एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बाय अ प्रोड्यूसर फॉर फर्दर इनकम जनरेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर बाय अ प्रोड्यूसर फॉर फर्दर इनकम जनरेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यानी किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा और आगे इनकम जनरेट करने के लिए किया गया खर्च इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब यहां देखें, इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कई तरह से समझा जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस दैट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण का मतलब है आपकी कैपिटल और बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट करने से आपकी कैपिटल और बढ़ती है, उसका निर्माण और ज्यादा होता है। या अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल, या कह सकते हैं आप कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि स्टॉक ऑफ कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो कैपिटल है यानी पूंजी है जो वो बढ़ जाती है। तो इसको अगर इसका फॉर्मूला हम समझें तो I is equal to delta K। अब I फॉर इन्वेस्टमेंट, I किसके लिए आया है, इन्वेस्टमेंट के लिए आया है। K फॉर कैपिटल, K किसके लिए आया, कैपिटल स्टॉक के लिए। और डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा, जब जहां लिखा होता है इसका मतलब होता है डिफरेंस यानी कि चेंजेस। तो डेल्टा K इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू डेल्टा K। अब अगला इसमें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया होगा कि फर्दर इनकम जनरेट करने के लिए किसी प्रोड्यूसर के द्वारा जब कोई भी खर्च किया जाता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या हम कैपिटल स्टॉक को अपना बढ़ाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या कैपिटल फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब का संबंध है फिक्स्ड असेट्स से, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का संबंध है स्टॉक से। अभी ध्यान रखेंगे, फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, हमारे जो प्लांट मशीनरी जो बहुत समय तक चल सकती है और जो प्रोडक्शन के वर्क में हेल्प करती है, उन्हें हम यूज करते हैं और वो बहुत कई सालों तक चलती हैं, उनकी मनी वैल्यू ज्यादा होती है, तो उसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो जिस जो खर्चा हम फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं तो वो तो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और जो हमारा जैसे रॉ मेटेरियल, अब हमारा इन्वेंटरी में क्या क्या चीजें आती हैं, किसी भी प्रोड्यूसर के पास एक साल के अंत में जब वो अपना प्रोडक्शन का वर्क करता है, सेलिंग करता है, उसके बाद जो बच जाता है, जैसे कि बहुत सारा उसके बाद फिनिश्ड गुड्स बच जाता है, यानी कि तैयार हुआ माल। एक फाइनेंशियल ईयर हम हमेशा जो भी एस्टिमेशन करते हैं नेशनल इनकम का, वो हम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं। जो भी चीजें होती हैं सब एक फाइनेंशियल ईयर में होती हैं। फाइनेंशियल ईयर आप समझते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जब कोई भी प्रोड्यूसर अपना
बिजनेस का एस्टिमेशन करता है तो जब देखता है कि लास्ट में उसके पास जो बच जाता है जब वो क्लोजिंग करता है लास्ट में, तब उसके पास कुछ उसके पास फिनिश्ड गुड्स बढ़ जाता है जो तैयार हुआ माल होता है, कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स को आधा तैयार हुआ माल बच जाता है और कुछ रॉ मटेरियल बच जाता है। तो ये जो जो उसके पास बचा रहता है उसके गोडाउन में या उसकी फैक्ट्री में, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। और उस इन्वेंट्री स्टॉक को खरीदने के लिए जो खर्च किया, यानी कि कह सकते हैं कि जो इन्वेंट्री स्टॉक, जो स्टॉक उसका पूरे एक साल में बढ़ा, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सपोज साल के शुरुआत में उसके पास 4 यूनिट थी किसी चीज की और जब लास्ट में क्लोजिंग का टाइम आया तब उसके पास 10 यूनिट्स हैं उसी चीज की, तो 10 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स को माइनस करके 6 यूनिट्स उसके पास पूरे साल की एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि 4 यूनिट्स पहले से ही उसने माइनस कर दिया। तो 6 यूनिट्स पर उसने जो भी खर्च किया होगा पूरे ईयर में, उसे बोलेंगे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसे समझ लो, फर्स्ट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक इंक्रीज होना किसके, किसका, प्रोड्यूसर का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर यानी एक साल के दौरान, एक वर्ष के दौरान जो भी उसका स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स का स्टॉक बढ़ता आता है तो उसे बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए जो भी एक्सपेंडिचर यानी खर्च किया जाता है, या कैपिटल गुड्स के लिए खर्च किया जाता है, फिक्स एसेट्स का मतलब कैपिटल गुड्स होती हैं, लाइक जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, इट्स कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। किसी भी प्रोड्यूसर के पास क्या चीजें होती हैं जो उसके फैक्ट्री के अंदर होती हैं, वो होती हैं क्या फिनिश्ड गुड्स, कुछ तैयार होता है, कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स, कुछ आधा तैयार होता है, और कुछ रॉ मटेरियल, कुछ कच्चा माल होता है। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक, और उस सबको मिलाकर उसे कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, उस इन्वेंट्री स्टॉक में जो चेंज आता है ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के दौरान जो भी उसमें चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो भी उसमें चेंज आता है, चेंज का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में जितना भी अब इस टाइम लास्ट में उसके पास है, ओपनिंग स्टॉक जितना उसने शुरुआत करी थी उस टाइम उसका पिछला था जो, उसे माइनस कर देंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट, जो भी स्टॉक उसने बढ़ाया पूरे साल में, वो उसने खर्च किया होगा उस पर, कुछ भी जो भी पैसा उसने खरीदने में खर्च किया होगा वो उसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट उसने उस ईयर में किया। अब है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, ये तीन चीजें और पढ़नी है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज इन्वेंट्री स्टॉक इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री स्टॉक, रॉ मेटेरियल या जो भी चीजें हैं जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, उन सबकी परचेजिंग पर जो भी खर्च किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड एज वेल एज इन्वेंट्री स्टॉक इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
सेकेंड पॉइंट इसमें ही है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स इन प्लेस ऑफ द वॉर्न आउट एसेट्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दूसरी चीज ये भी शामिल की जाती है कि जो पहले की से चल रही है फिक्स एसेट्स वो वॉर्न आउट हो जाती है, यानी कि वो टूट फूट जाती है, नॉर्मल वेयर टियर या कुछ भी उन्हें बेकार हो जाती है, तो उसकी जगह पर जो भी नई एसेट्स खरीदी जाती है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। थर्ड है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस प्लस इन्वेंटरी स्टॉक। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब अब फॉर्मूला एक हो गया कि एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स पर जो भी खर्च किया प्लस इन्वेंटरी स्टॉक पर जो खर्च किया, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, और डेप्रिसिएशन वो होता है जो फिक्स असेट्स में जो भी कमियां आ जाती हैं, चाहे वो खराब हो जाती है, चाहे उसमें टूट फूट आ जाती है, या चाहे वो वॉर्न आउट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसमें जो खर्च लगता है वो डेप्रिसिएशन होता है। तो क्या है, या उसकी वैल्यू जितनी कम होती है वो डेप्रिसिएशन होता है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट फिक्स्ड असेट्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जो वॉर्न आउट असेट्स पर जो बेकार हो गई एसेट्स उन पर किया गया खर्च को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, हटा दें, यानी कि हमने हमारी 10 मशीनें काम कर रही हैं, 10 मशीनों पर हमने 10 मशीनों में से कुछ रिपेयरिंग का काम हो गया, कुछ खराब हो गई, उसकी जगह नहीं लानी पड़ गई, जो वो खर्च किया उसको हटा दें, उसको माइनस कर दें, तो वो आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। इट इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। या दूसरा है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, जो उनका जो मेंटेन करने के लिए यानी कि जो वैल्यू कम हुई है या मेंटेन करने के लिए जो भी खर्च किया गया है उसे कम कर दें, तो क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होगा अच्छे से समझ लें। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स एज फॉलो। यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स असेट्स की वैल्यू जो जितनी लॉस उसमें जितना नुकसान होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। और वो कैसे होता है, देखिए फर्स्ट है नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट में जो खर्च होता है, जो भी वैल्यू की कमी सामान्य टूट फूट में होती है, जब कोई फिक्स असेट चलती रहती है तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर होती रहती है, तो वो जो उसमें जो नुकसान होता है, जो वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन होती है। दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ एक्सटेंडेड डैमेज, अचानक से कभी कभी नई चीजें भी टूट जाती हैं, अचानक से एक्सटेंडेड डैमेज हो जाता है कोई भी, तो वो भी डेप्रिसिएशन में आता है। तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम पहले से ही आशा रखते हैं या जानते हैं कि ये चीजें कुछ समय के बाद चलन से बाहर हो जाएंगी, एब्सोलेसेंस का मतलब है प्रचलन से बाहर, तो उन पर उनकी जो असेट्स, जो उनकी मशीनें हैं या उनकी जो फिक्स असेट्स हैं वो बेकार हो जाएंगी, उसकी जगह हमें नई लानी पड़ेगी, नए तरीके से जो मॉडल है वो असेट्स लानी पड़ेगी, तो वो जो बेकार जाएगी हमारे बिजनेस में जो लगा हुआ पैसा बेकार जाएगा, वो भी डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। तो ये है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जो हमें पहले से ही पता होता है कि ये चीजें हमारी आउट ऑफ फैशन होने वाली है, यानी कि इन चीजों से हमारे जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, इसलिए हमें ये चीजें नहीं चलानी पड़ेंगी आगे जाके इतने साल बाद, तो वो जो खर्चा होता है वो भी हमारा डेप्रिसिएशन में आता है।